लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि समीर और जितेंद्र के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी होने लगती है, लेकिन इसी बीच भाग्यश्री सारी बात क्लियर कर देती है और उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देती है। इसके अलावा जितेंद्र भाग्यश्री को गिफ्ट मिलने वाली बात भी बता देता है और फिर से अननोन नंबर के मैसेजेस आने पर भाग्यश्री से नंबर बदलने की बात कहता है। कॉलेज से भाग्यश्री और जितेंद्र मूवी देखने चले जाते हैं और उधर घर पर मंजुलिका फिर से माला देवी को भड़काने का काम करने लगती है। घर आने पर मंजुलिका और माला देवी उन दोनों पर अपने शब्दों के बाण चलाते हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री एक बार तो सब कुछ सुनते रहते हैं और तभी अचानक बीच में नरसिंह देव आ जाते हैं। फिर माला देवी और मंजुलिका भाग्यश्री के कॉलेज वाली बात और रवि के साथ मोटरसाइकिल पर घर जाने वाली बात नरसिंह देव को बता देती हैं। ये सब सुनकर नरसिंह देव बहुत हैरान हो जाता है और गुस्से से भाग्यश्री को देखने लगता है। अब आगे। भाग्यश्री, क्या ये बात सच है? हाँ पापा जी, कुछ सच है इस बात में, लेकिन पूरा सच नहीं है। हाँ पापा, आपको तो पता ही है ना मासी और मम्मी की आदत, ये कितनी जल्दी भड़क जाती है। हाँ तो तुम दोनों बताओ मुझे पूरा सच क्या है। नरसिंह देव समझदार था और उसे अपनी बहू और बेटे पर काफी यकीन भी था, इसीलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उनसे बात करना उचित समझा। पापा मैं बताता हूँ, असल में भाग्यश्री को कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। हाँ पापा जी, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक हमारे लिए अनजान है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा, ये सब तो आजकल हर जगह ही आम हो गया है, लेकिन इसका बिना डर के सामना करना बहुत जरूरी है। हाँ पापा, हम लोग सामना कर रहे हैं। डर कर नहीं जीना है बेटा, ना ही डर कर भागना है। ये क्या हो गया भगवान, ये तो उल्टा ही सिस्टम बैठ गया सारा का सारा। क्या सोचा था और क्या हो गया? वही तो माला, इनका तो दिमाग हिल गया है, डांटने की बजाय उसे प्यार से समझा रहे हैं। आखिर ये मेरे पति हैं या कोई और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आ जाएगा पकड़ में। और दूसरी बात बताओ। हाँ पापा, और रुको मैं बताता हूँ भाग्यश्री। पापा वो उस दिन आपने मुझे दुकान पर भेज दिया था तो मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। हाँ उस दिन काम ज्यादा था। हाँ दुकान पर कुछ काम था तो मैंने मेरे दोस्त रवि को बोल दिया कि वो भाग्यश्री को घर छोड़ दे। तो इसमें क्या बुराई है, रवि तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे अच्छे से जानते हो। अरे तो भाग्यश्री मुझे बता देती कि वो रवि जितेंद्र का दोस्त है, मुझे क्या मालूम था जितेंद्र ने भेजा है। हाँ जीजा जी, हमें तो लगा किसी अनजान लड़के के साथ आई है, अब आप ही बताइए, ऐसे देखेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। मंजुलिका जी, कोई ऐसा वक्त भी है जब आपको गुस्सा ना आता हो? तो ये भी तो बोल सकती थी, जुबान नहीं है क्या इसके मुंह में। मम्मी जी आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया, घर से बाहर तो निकाल रही थी। घर से बाहर मतलब? हाँ पापा, मासी माँ ने दरवाजे पर हाथ रखकर भाग्यश्री को रोक लिया था, इसे अंदर नहीं आने दे रही थी। ये घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है, आपको किसने हक दिया भाग्यश्री के साथ ऐसा व्यवहार करने का? आप कैसी बातें करते हैं जी, दीदी भी तो इस घर की सदस्य हैं, उन्हें थोड़ी न पता था रवि कौन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब पता ही नहीं था तो ऐसा क्यों किया, पहले पता करना चाहिए था ना। हाँ मम्मी, आप मुझे फोन कर लेती, मुझे तो बताती, पूछती मुझसे। मैंने तुझसे बात करने की सोची थी लेकिन तूने की ही नहीं, बोला कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे मम्मी तो उसी वक्त फोन करके पूछ लेती ना, फोन है ना आपके पास, वो किस लिए है बताओ। देखो अब तो मेरा भी हक छीन लिया है इस घर में से, मेरा इस घर में अब काम ही क्या है, मैं चली ही जाती हूँ। मंजुलिका जी मैंने आपको ये नहीं कहा है, लेकिन एक सीमा होती है और इस घर में किसी को भी अपनी सीमा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, हम आगे से एक एक बात फोन करके पूछ लेंगे, क्योंकि हर बार हम ही गलत होते हैं। और माला आजकल कहीं भी चले जाओ, हर लड़की को कोई ना कोई लड़का परेशान करता ही है, तो इस बात को उल्टे तरीके से ना लेकर समझाने की कोशिश करो। मैं तो सब समझ रही हूँ, आप सबको ही समझ में नहीं आ रहा है, देते रहिए छूट, बाद में नतीजे आएंगे ना तो पछताना मत। नहीं पछताएंगे माला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पछताना मत। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जीजा जी कि हमें पछताना पड़े। बस भी करो अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि आज के बाद मुझे भाग्यश्री के चरित्र पर कोई बात नहीं सुननी, ना ही मैं करूँगा, ये आज पहली और आखिरी बार था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जितेंद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो भाग्यश्री कमरे में, बहुत तमाशा हो गया। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में चले जाते हैं, नरसिंह देव भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त जितेंद्र भाग्यश्री को एक नया नंबर भी दिलवा देता है। भाग्यश्री अब एक टेंशन तो कम हुई नया नंबर लेने से। हाँ
और अभी मैं फिलहाल ये नंबर किसी को भी नहीं दे रही। अच्छा, मुझे भी नहीं दोगी क्या? नो 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 नो। क्या बात है, इतना घमंड, पक्का नहीं दोगी? हाँ, तुम्हें भी नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी, मुझे लेना भी आता है। अच्छा, ऐसी बात है, तो लेकर दिखाओ। अच्छा मत दो, देखता हूँ कब तक नहीं देती हो। और अब इस नंबर पर कोई मैसेज और कोई फोन नहीं आएगा मेरा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, तुम्हारा तो आएगा ना। मिस कॉल कर रही हूँ, सेव कर लो नंबर। भाग्यश्री जितेंद्र को अपना नंबर दे देती है। कॉलेज में बिंदु और भाग्यश्री बातें कर रहे होते हैं। समीर जल्दी से भाग्यश्री के पास आता है। भाग्यश्री सुनो, मैंने उस लड़की को देखा जिसकी तुमने मुझे फोटो दिखाई थी। अच्छा, पर कहाँ? अभी जब मैं कॉलेज में आ रहा था तो वो वहाँ सड़क से जा रही थी। इसका मतलब वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ती है? ये तो मैं नहीं जानता। तो तुम उसे रोक लेते, पूछ लेते कि वो कौन है। यार मैं उसे कैसे रोक लेता, वो मुझ पर कोई इल्जाम लगा सकती थी। हाँ, हो सकता है वो कल इस वक्त फिर वहीं से निकले। हाँ तो कल इसी वक्त पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो समीर, आज तुम लेट कॉलेज क्यों आए हो? यार मेरी बाइक खराब हो गई थी तो मैं आज अपनी सिस्टर की स्कूटी लेने आया हूँ, तो लेट हो गया। अच्छा, वाओ, स्कूटी पर आए हो, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। अच्छा तो चलो ना, मैं सिखा देता हूँ भाग्यश्री। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, कहीं गिर गई तो? अरे नहीं गिरने दूंगा, चलो अब। ठीक है, फिर सिखाओ, देखते हैं गिरती हूँ या नहीं। हाँ मुझे भी सिखाना फिर। तो समीर, बिंदु, भाग्यश्री स्कूटी सीखने चले जाते हैं। कॉलेज के ग्राउंड में समीर भाग्यश्री को स्कूटी चलाना सिखा रहा है। भाग्यश्री का बैग वहीं बिंदु के पास रखा होता है, तभी भाग्यश्री का फोन बजता है। अरे जितेंद्र का फोन आ रहा है, उठा ही लेती हूँ। हेलो भाग्यश्री। हेलो जितेंद्र, मैं बिंदु बोल रही हूँ। अच्छा बिंदु, भाग्यश्री कहाँ है? हम यहाँ कॉलेज के ग्राउंड में हैं। वहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? वो भाग्यश्री स्कूटी सीख रही है तो हम यहाँ आए थे, तुम भी आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। कुछ ही देर में जितेंद्र भी ग्राउंड में आ जाता है। वो देखता है कि बिंदु अकेले बैठी हुई है। अरे तुम तो यहाँ हो, फिर भाग्यश्री स्कूटी कैसे सीख रही है, कहाँ है वो? वो देखो वो रही, समीर उसे स्कूटी सिखा रहा है। जितेंद्र देखता है कि समीर स्कूटी पर भाग्यश्री के पीछे बैठकर उसे स्कूटी सिखा रहा है। भाग्यश्री का ध्यान जितेंद्र की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था। वो थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। जितेंद्र को भाग्यश्री का समीर से स्कूटी सीखना पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है मैं चलता हूँ, उसे बोल देना कि फुर्सत मिले तो मुझसे बात कर ले। बोल दूंगी। समीर और भाग्यश्री वापस आते हैं तो बिंदु उसे जितेंद्र के आने के बारे में बता देती है। भाग्यश्री जितेंद्र को कॉल करती है पर जितेंद्र फोन नहीं उठाता। अरे जितेंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा, लगता है नाराज हो गया। चलो भाग्यश्री अब चलते हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है। हाँ चलो। तो सभी लोग लेक्चर के लिए क्लास में चले जाते हैं। दो लेक्चर के बाद भी जितेंद्र अपनी क्लास में रहता है। उसके बाद भाग्यश्री का फोन आता है लेकिन जितेंद्र फोन नहीं उठाता। फिर भाग्यश्री का मैसेज आता है जिसमें लिखा है, हेल्प प्लीज। जितेंद्र डर जाता है और भाग्यश्री को कॉल करता है। जितेंद्र बचाओ मुझे, जितेंद्र! भाग्यश्री कहाँ हो तुम, जल्दी बताओ मुझे कहाँ हो भाग्यश्री? जितेंद्र बोलो भाग्यश्री कहाँ हो तुम? तभी कॉल कट हो जाती है। जितेंद्र बार बार फोन करता है लेकिन भाग्यश्री फोन नहीं उठाती। तभी जितेंद्र भागते हुए भाग्यश्री की क्लास में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। समीर और बिंदु वहीं होते हैं। भाग्यश्री कहाँ है? हमें तो कुछ बताकर नहीं गई वो। हाँ जितेंद्र क्या हुआ? जितेंद्र गुस्से में समीर का कॉलर पकड़ लेता है। क्या किया तुमने भाग्यश्री के साथ? जितेंद्र क्या बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। तभी जितेंद्र के फोन पर नरसिंह देव का फोन आता है। हाँ पापा। जल्दी जितेंद्र अभी के अभी घर आओ। क्या हुआ पापा, क्या बात हो गई, आज ही सारी की सारी मुसीबतें आनी है। बात करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ अभी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर भाग्यश्री के साथ क्या हुआ था, वो किस परेशानी में थी और नरसिंह देव ने जितेंद्र को क्यों बुलाया था। अब कौन सी नई मुसीबतें आने वाली थी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।